अनबॉक्स करता हूँ, जो कि हम लोग पहले से पैकेट खोल चुके हैं, इस मार्टन का प्राइम सीरीज का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि 24 वोल्ट बैटरी तक के लिए ठीक है। चलिए, ये रहा इसका पैकेट। आपको ये इस तरीके से पैक होके आएगा, जिसके साइड में दोनों साइड में कुशन दिया रहेगा जिससे डैमेज ना हो। साथ में आपको ये दो DC फ्यूज और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाएगा, जिसका हम अलग से फ़ोटो डाल देंगे वीडियो में, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ जो वेबसाइट से दिखाया गया है उससे कुछ डिफरेंस है, जो मैं बाद में आपको फ़ोटो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो दोस्तों, ये रहा पैकेजिंग। कंटेनर देख के आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये, हम आपको इसका दूसरा फ़ोटो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, जिसमें दिखा है कि पैकेट जो है काफ़ी डैमेज हुआ आया था। तो इस मामले में बोलना चाहूँगा, मैंने और भी रिव्यू पढ़े हैं जिसमें लोग कंप्लेन करते हैं कि ये कंपनी सामान को अच्छे से पैक नहीं करती है, जिसकी वजह से चीज़ें डैमेज होकर के ही कई बार आती हैं, लोगों के टेढ़े मेढ़े सामान आते हैं या पैकेट पूरा फटा रहता है। तो मैं धीरे धीरे करके इसका वो निकालता हूँ, सामान को बाहर निकालता हूँ। दोस्तों, बॉक्स को ओपन कर दिया है, ये रहा आपके सामने काफ़ी शाइनी और अच्छे फिनिश के साथ में ये MPPT चार्ज कंट्रोलर, जो कि स्मार्टन कंपनी का है। और ये मैं साइड में दिखाता हूँ, जो कि वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दिया हुआ है। बॉटम में ये आपको ड्रिल करके जो है, आप क्लिप लगा करके इसको टांग भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है ये आपको दीवार में ड्रिल करके इसको टांगने के लिए ही अच्छा है। चलिए, आपको MPPT के जो टर्मिनल्स हैं समझा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बैटरी के प्लस, बैटरी के माइनस। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर मैनुअल के हिसाब से मैं आपको बाद में बता सकता हूँ ये कितने बैटरी के लिए सूटेबल है। तो आप इसमें से देखेंगे, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए हमारा जैसे सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो इसमें लेड एसिड ट्यूबलर और सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी यूज किया जा सकता है। ये सोलर का पॉजिटिव, सोलर का नेगेटिव। अच्छा, इसके साथ में एक जो मेन इंस्ट्रक्शन है कंपनी का, कि आप जब इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले बैटरी के प्लस और माइनस को कनेक्ट करना है, कोई भी प्लस माइनस को नहीं कनेक्ट करना है। अगर आप इसको पहले यूज कर देते हैं तो इसका डैमेज हो जाएगा और वारंटी में भी ये कवर नहीं होगा। और ये है हमारे AC सप्लाई, जो कि हम लोग इसको AC देंगे। अच्छी बात है कि कंपनी ने इसके साथ में टॉप प्रोवाइड किया है, कई बार देखा गया कि टॉप नहीं प्रोवाइड करते हैं। और फिर इसके बाद ये यहाँ से AC आउटपुट निकलेगा, जो आप इसके अपने इन्वर्टर को देंगे, नॉर्मल इन्वर्टर को, जिसको आप सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि इसमें कंपनी ने, ये देखिए, वारंटी के लिए सील दी हुई है, जो कि लगा रहना चाहिए, अदरवाइज़ अगर ये कट जाएगा तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। और टॉप में इसका कुछ बटन्स हैं, जिसकी वजह से आप ये डिस्प्ले में जो आप इसका जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं, और आप बहुत सारे जो पैरामीटर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और हम फिर बॉटम साइड में आते हैं, तो बॉटम साइड में आने पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे वो जो AC का सप्लाई था, उसको ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास 16 एम्पियर का सी क्लास का MCB है, जो कि CNS कंपनी का है। देखने में तो कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी छूने में हमको इतना रोबस्ट नहीं फील हो रहा है। ठीक है, अगर ये डिफेक्ट होता है तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो बहुत महंगा सामान नहीं है। और इसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ MPPT चार्ज कंट्रोलर में, इसका फ़ैन है, जो कि कस्टमर के रिव्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है घर में लगाने के बाद। ये हम लगाने के बाद अपने यहाँ देखेंगे कि जब भी आपके यहाँ धूप होगा और सोलर चार्ज कंट्रोलर काम करेगा, तो दिन के इस टाइम में ये काफ़ी आवाज़ करेगा। ये फ़ैन जब तक आपका MPPT चलेगा तब तक फ़ैन ऑन होगा। अच्छा, ये एक डमी जो अभी ये दो बटन है, ऐसा लगता है कि इन्होंने चेसिस पहले बनवा लिया था, तो उसको कवर करने के लिए इन्होंने यहाँ डमी बटन्स लगाए हैं। ये आपके बटन किसी काम के नहीं हैं, ये पहले यहाँ बटन हुआ करते थे, लेकिन अब ये डमी बटन है। काफ़ी कोशिश किया मैं इसको चेक करने के लिए, और अभी जो ये सेटिंग है जो यहाँ पे करना था, अभी वो डायरेक्टली आप इस डिस्प्ले के थ्रू आप कर लेते हैं, इसलिए यहाँ से वो हटा दिया गया है। और पीछे कुछ नहीं है,